मैंने ऐसा कौन सा पंगा है जो नहीं लिया है. मुझे लगता है कि हम एक कलाकार बाद में, पर पहले हम भारतीय हैं. कल तो मैंने इसको जान लेने की कोशिश की. कल मेरे सामने खंजर पड़ा था तो मुझे पता नहीं चला कब मेरा हाथ उस पे चला गया और कब इसकी गर्दन पे था. हेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लव ओनली. मेरे तो ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपना ऐसे फैन मानती हूँ कि दिन रात मेरे बारे में सोचते रहते हैं. वैसे तो इट्स नॉट अ नेशनल इशू. Radio City 91.1 पर मैं हूँ करण एंड आई हैव दिस फ्रेम ऑफ ब्रेव पीपल आई मस्ट से बिकॉज कंगना रनौत हमेशा ब्रेवनेस से दिखाती है कुछ भी करे. जस्सी गिल भी ब्रेव है, मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज कंगना रनौत के साथ रहना एंड मेक श्योर करना कि बॉस हम भी थोड़ा सेंचुरी मार दे या 50 रन भी मार दे बीच में, उनके लिए भी ग्रेट होगा. अश्विनी जी का तो फैन ही है, मतलब इतनी कमाल तीनों, ये उनकी हैट्रिक होने वाली है. सो क्रिकेट की भाषा में बोले इट्स अ सुपर सक्सेसफुल वर्ल्ड कप ही जीतने वाली. कंग्रेचुलेशंस अभी से ही बोलना चाहता हूँ बिकॉज मूवी रिलीज हो रही है कल. सो आप पहले कहना, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मूवी रिलीज होती है आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आर यू नर्वस, एक्साइटेड, या पूरी जो थकान कम हो जाती है, क्या क्या सीन होगा? आई थिंक सभी थोड़ा नर्वस होते हैं और थोड़ा कई एस्पेक्ट्स होते हैं फिल्म रिलीज़ के. फिल्म बनाने के जो होते हैं वो आपको सब पता होता है, लेकिन जो रिलीज़ के होते हैं वो आपको पता नहीं होता है क्योंकि क्या शोज़ मिल रहे हैं, कहाँ पे कितनी स्क्रीनें मिल रही हैं. तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस आप बस छटपटाते से रहते हैं. तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा नर्वस भी होती हूँ और बहुत ज़्यादा चिंता भी करती हूँ. और मेरी फिल्म अब 3-3, 4-4 महीने बाद हमेशा आती है, तो मुझे अब मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है. तो अब दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड आई हैव टू कम्प्लीटली चिल आउट, कम्प्लीटली स्टे रिलैक्स्ड एंड जस्ट एब्सोल्युटली लेट व्हाट इज बाउंड टू हैपन और डेस्टिन्ड टू हैपन. भाजी आपका क्या होता है जब रिलीज होती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्लियर रहता है मन, क्या होता है? अभी जैसे इतने बड़े स्टार्स हैं, जब वो आपको इतनी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो मैं तो अभी क्या बोलूँगा, कहीं मैं बोलना है क्योंकि जब वो बता रहे हैं कि हर बार होता है बट आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ से. और मैं तो अपने गानों का बता सकता हूँ कि हाँ उसका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, पिछले 7-8 साल से उसमें काम कर रहा हूँ. बट हाँ, हर बार जब नई चीज़ आनी होती है सिर्फ यही होता है कि आपका आपने जो काम किया है, जो फिल्म जा रही है लोगों तक, वो जिस दिल से बनी हुई है, जो जिस दिल से बनाई है, उस तरीके से पहुँच जाए और लोग उस तरीके से देख लें, तो ये ज़रूर होता है, एक्साइटमेंट होती है. बट जैसे बोल रहे हैं कि अभी इतनी फिल्में आती हैं तो इनकी मेरी तो चलो दूसरी है, तो मैं नहीं, पंजाबी में बहुत किया आपने यार, पंजाबी में बहुत एक्साइटमेंट तो वही होगी फिर भी. हाँ बट एक्साइटमेंट जरूर होती है, वो तो हमेशा हर चीज़ को लेके होती है यार. कोई गाना भी आना हो उसकी भी एक्साइटमेंट अलग से होती है, स्पेशली होती है रिव्यूज़ की कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट. मैम आपका ये थर्ड है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप टेंशन फ्री हो जाती है रिलीज के पर? फोर्थ है तो ये टेंशन फ्री हो जाते हैं आपकी क्या? नहीं मैं थोड़ी अलग हूँ अभी ये टाइम पर. अच्छा. मैं बहुत ऐसे रिलैक्स थी पिछले एक हफ्ते तक. हाँ. जब तक मेरा डीसीपी नहीं गया तब तक मैं बहुत रिलैक्स थी. डीसीपी जैसे चला गया तो मुझे ऐसा लगा हो गया, अभी मैं बहुत एम्प्टी फील कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है अभी. और आपका एक अटैचमेंट हो जाता है आपके क्रू मेंबर्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके एक्टर्स के साथ. तो अचानक एक दिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक सब खत्म हो गया अभी. और फिर आपको कुछ तो चाहिए ना सोचने के लिए. तो फिर आप सोचते हो कि रिलीज क्या क्या होगा, स्क्रीन्स क्या होंगे, इधर इधर ये क्यों नहीं लगा हुआ, ये होर्डिंग इधर क्यों नहीं है. अच्छा. वो सब चालू हो ये जाता सब है. हम चेक कर रही हैं. हाँ हम सब चेक करते हैं ना. Okay. तो कुछ तो चाहिए ना सोचने के लिए. हाँ. अब ये तो नहीं सोचने को मिल रहा, तो ये जो हमारे कंट्रोल में था वो तो हो गया. अब जो हमारे कंट्रोल में है नहीं, ऑफकोर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम बात तो कर सकते हैं ना, पूछ तो सकते हैं ना, इसका ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, बस वहाँ तक पहुँच जाता है. और यस, रिव्यूज़ भी मायने रखती है. और अच्छे रिव्यूअर्स जो करते हैं उसे काफ़ी फ़ायदा भी होता है. तो उसके लिए मैं वेट कर. क्रिटिक्स ने तो हमेशा आपके पिक्चर पसंद किए, लोगों ने भी किए है, सो आई थिंक यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड. आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके मुंह में घी शक्कर. लेकिन ये पंगा जो टाइटल है, बहुत लोगों ने डे वन से, मैं भी सोच रहा था अगर पहले कभी इंटरव्यू करने मिलता तो मैं भी कुछ सवाल पूछता पंगे के ऊपर. अब इतने इंटरव्यूज आपने दे दिए, इतने पंगे के ऊपर सवाल पूछ लिए, कौन कौन से फ्रीक्वेंट आंसर्स दे के आप बोर हो गई, मैंने ये पंगा लिया, मैंने वो पंगा लिया है, मैंने ऐसा कौन सा पंगा है जो नहीं लिया है. हर पंगा मैंने लाइफ में लिया हुआ है और मुझे अब
मुझे लगता नहीं मेरे लायक को पंगा भी रह गया है, क्योंकि अभी मैं 32 ओनली आई फील लाइक के बहुत पंगे ले लिए, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र से ले रही हूँ और उससे पहले भी बचपन में मैंने लिए हैं. तो आई जस्ट फील के ऐसा कुछ बहुत कम पंगे रह गए हैं जो मेरे लिए अब, बट ऑन गोइंग बहुत हैं. जैसे कि मुझे लगता है कि अभी एक दो सालों में मुझे एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक रुचि आई है और अवेयरनेस आई है. तो जैसे प्लास्टिक के साथ पंगा लेना, तो वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो सारी लाइफ रहेगा. जो लोग पेड़ काटते हैं उस चीज़ से पंगा लेना, अभी मैं बहुत ज़्यादा पेड़ जो है वो डोनेट भी करती हूँ. तो वो एक कुछ ऐसे पंगे हैं वो सारे लाइफ के लिए चलेंगे अब, लेकिन नए पंगों में मुझे लगता नहीं ऐसे कुछ बहुत खास. मीडिया में कौन कौन से पंगे के सवाल पूछ के आपको बोर कर दिया? पूछा ही होगा, 100% श्योर. मैंने कुछ कुछ देखे भी है इसके लिए. आई थिंक बोर तो नहीं किया, लेकिन एक आई थिंक कहीं ना कहीं देश के प्रति, देश में जो हो रहा है वो मीडिया जो है वो बहुत रुचि रखती है जानने में कि उसमें मेरा क्या कहना है और मेरा क्या रुझाव है और सुझाव है. तो आई डोंट माइंड दैट बिकॉज हम एक्टर्स. आपकी ये बात अच्छी लगती है, मतलब बाउंड्री से चिपक के नहीं आप घुस जाती है बाउंड्री में, यू ऑलवेज गिव द रिप्लाई. नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि हम एक कलाकार बाद में, पर पहले हम भारतीय हैं, तो वो भारतीयता तो हमें आनी चाहिए. हम देश से अलग रह के तो नहीं जी सकते, जीना भी नहीं चाहिए. और आप हमेशा मतलब बिलीव करती हैं, ये जो जवाब देती दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू. मतलब कभी मैंने देखा नहीं कि आपने मुंह फेर लिया एंड गिव अ डिप्लोमेटिक आंसर, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट यू. अजी आपको क्या क्या पंगे वाले सवाल पूछे लोगों ने? मुझे तो ये लग रहा है कि अभी मैं रिकॉर्ड करके रहती हूँ, मुझे पता नहीं सब कोई सेम चीज़ें पूछ रहे हैं. बट हाँ, बहुत चीज़ें, पंगे के सवाल तो बहुत ज़्यादा. क्या क्या आपने जवाब दे दिए ऑलरेडी, लिस्ट बनाते हैं. सबसे ज़्यादा तो ये पूछा गया कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कंगना जी के साथ काम करने का. तो कल तो फोटो भी डाल दिया उन्होंने. कल तो मैंने फोटो भी डाल दिया. कल तो मैंने इसको जान लेने की कोशिश की. कल कल बाल बाल बचा मैं. क्यों? इसको गर्दन काटने की कोशिश की. मतलब ऐसे हो गया था काम कल. जो चीज का डर था, जिस चीज का सारी फिल्म में मैं बचा रहा वो कल फाइनली हो गई. कल मेरे सामने खंजर पड़ा था. तो मुझे पता नहीं चला कब मेरा हाथ उस पे चला गया और कब इसी गर्दन पे था. वो तो कुछ फोटोग्राफर्स इतने थे वहां पर, लोग इतने थे, तो ये तो बच गया. मैं तो बच गया, नहीं तो ऑलमोस्ट हो गया था. सनसनी खेज कल तो हमने ऐसे सनसनी पंगा बोला ही कि हम ये फोटो तो डालेंगे. यार आप इसमें ट्रेन का आपने लॉन्च भी किया था, मुझे बहुत कमाल लगा था. यू वेंट टू द स्टेशन और टिकट विकेट दे रहे थे. कुछ ट्रेन स्टोरीज हैं आपके लाइफ में? आई एम श्योर बचपन में हम सभी ने ट्रेन में ट्रैवल किया था. अभी तो आप, व्हेन वाज द लास्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल किया आपने? मुंबई में ही, लोकल में. अच्छा, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती थी आप? आई थिंक टाउन गई थी मैं. Okay. कुछ बार टाउन गई थी और अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे ऐसे बहुत भीड़ भड़ाके वाली टाइमिंग नहीं मिली थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो. तो कभी टिकटलेस ट्रैवलिंग कुछ? देखो मैंने एक बार किया, सॉरी करना नहीं चाहिए लेकिन किया हुआ एक बार. कभी कुछ ट्रेन की कुछ स्टोरीज हैं यादगार? अंताक्षरी खेल के गए. आजकल तो खाना भी बहुत खराब मिल रहा है ट्रेन में. अच्छा? हाँ, बहुत कंप्लेंट आ रही है. नहीं नहीं, हम एक्चुअली हमारे हिमाचल में कोई ट्रेनों का सिस्टम है नहीं, पहाड़ इतने हैं तो ट्रेन वहाँ होती नहीं है, बसेस के ही थ्रू. तो बसेस में ऐसे एक्सपीरियंस है, मगर ट्रेन में ऐसा कुछ खास नहीं. सर आपका कुछ ट्रेन एक्सपीरियंस? मैं, मुझे याद है पहली बार ट्रेन में बैठा था, मैं गया था दिल्ली से कन्याकुमारी. अच्छा, इतना लंबा कन्याकुमारी? और मुझे लगता है मुझे 3 दिन लगे थे, मैं जाते हुए 2 से 3 दिन. बहुत हिम्मत है. मतलब उतर के भी ऐसे ही कर रहे थे. तो किया क्या 3 दिन आपने? ट्रेन में कॉलेज की तरफ से गए थे, कोई कैंप था वहाँ पे, तो उसके सब थे कॉलेज फ्रेंड्स थे. जो आपने बोला अंताक्षरी खेली ये की, बट टाइम पास नहीं हो रहा था वहाँ पे. अच्छा, सो गए उठ के अंताक्षरी खेली, फिर सो गए उठ के ये. अच्छा, जब स्टेशन पर रुकती थी किसी को उतर के चले जाते थे बाहर, बस यही कुछ किया है. वही मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है. उसी टाइम बैठा मैं ट्रेन के, उसके बाद उसके बैठे ही नहीं कभी. मुंबई लोकल भी नहीं? नहीं. अच्छा, यहाँ पर तो भीड़ हो जाती है आप आ जाते तो. आप मैम, आप लोकल स्टोरी? मेरे पास तो बहुत सारे स्टोरीज हैं ट्रेन. अच्छा. के और थ्रू योर मीडियम अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो मेरे को बोलना है, क्योंकि मैं बॉम्बे में पली पड़ी हूँ. तो मैं जाती थी मुलुंड से दादर से मैं ट्रेन चेंज करती थी, और मैं परेल से ग्रांट रोड जाती थी, फिर ग्रांट रोड से बस पकड़ के कॉलेज जाती थी सोफाया पॉलिटेक्निक. तो इतना मेरा ट्रैवल रोज का होता था. तो 8:35 का लेडीज स्पेशल होता था वो टाइम पे. और तो मेरी ज़िंदगी पूरी ट्रेन में ही निकल गई थी. एंड जस्ट रिसेंटली, और फिर ऑफकोर्स जब हम ये ऐसे स्पेशली जंगल्स जाते हैं या रणथंभौर जैसे जगहों पे सब जाते हैं, तो मैं ट्रेन में जाती हूँ. तो बहुत अच्छा फीलिंग रहता है वो ट्रेन में रात को ऐसे बुक पढ़ना, और वो वाली जो चीज़ें रहती है ना जब पे फ़ोन का नेटवर्क नहीं होता. वो सबसे अच्छी चीज़ें होती है. सिर्फ
आई थिंक बाथरूम्स अच्छे नहीं हैं अभी भी ट्रेन्स में. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी एक फ्रेंड ने अभी इनिशिएट किया हुआ है, बिकॉज बहुत सारे बॉम्बे के ट्रेन्स में, मुंबई के ट्रेन्स में बहुत सारे लोग की डेथ होती है क्योंकि वो इतनी भीड़ वाली ट्रेन्स में जाते हैं कि उनको लटक के वो जाते हैं. और बहुत सारे लोग हम भी जानते हैं जो रोज़ जाते हैं, तो उनके ब्रदर एक्सपायर हुए और उन्होंने एक पूरी इनिशिएटिव ली जहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑफ़िस की टाइमिंग्स चेंज होनी चाहिए, सबके ऑफिस की टाइमिंग साथ में नहीं होना चाहिए. कि आप अगर 9 बजे का ऑफिस टाइम है तो आप ग्रुप्स में रखो. तो काफ़ी कंपनी जो नर्मन पॉइंट, वीटी, ये चर्च गेट वाले एरियाज में है या परेल वाले एरियाज में है या अंधेरी वाले एरियाज में है, वो सब अपना टाइम शिफ्ट करें ताकि जो लोग ट्रेन में जा रहे हैं वो सेग्रीगेट करके जाए. क्योंकि ऐसा होता है कि लोग रिटर्न ट्रेन पकड़ते हैं कि आप जाते हो गोरेगांव तक या अंधेरी तक और अंधेरी से आप रिटर्न पकड़ते हो, सीट्स पूरी ब्लॉक रहती है, फिर आप सब जाते हैं जो ट्रेन में ट्रैवल करते रहे जिनको पता है ये चीज़. अभी भी किसी की डेथ हुई है तो ये वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रेन से लटक के ना जाए और अंदर. I hope government takes some measures or कुछ change करे. लेकिन as a director, as an actor as well, if you see last 2-3 साल में बहुत बदलाव आया in terms of the cinema making style and all. Padman के बाद लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, टॉयलेट एक प्रेम कथा कर लोगों ने बातें शुरू कर दी, आप चक दे भी women's hockey के बारे में लोगों ने बातें शुरू कर दी. एंड आई फील लिटिल सैड कि एक मूवी बनानी पड़ती है टू टॉक अबाउट फीमेल सेंट्रिक स्पोर्ट. क्रिकेट भी विमेंस खेलती है लेकिन इतना दर्जा नहीं दिया जाता. नाउ आई थिंक मिताली राज की बायोपिक बन रही है एंड जुलन गोस्वामी की बन रही है, सो पीपल आर गोना टॉक अबाउट इट. आपका टेक क्या है इसमें? डू यू फील सैड कि हमें बताना पड़ता है कि हाँ विमेन कबड्डी प्लेयर है एंड ऑल दैट? ये स्टोरी तो आपकी अलग है इसके, बट दिस इज ऑल्सो प्लेज द पार्ट. नहीं भाई, आई डोंट फील सैड अबाउट एनीथिंग. एंड स्पेशली अगर कोई, अगर आप बताने की पोजिशन में है और आप बता सकते हैं और आपको इस लायक बनाया है ईश्वर ने, तो बताइए इसमें सैड होने की क्या बात है? तो एक मूवी बन जाएगी फिर पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. पहले के जमाने में लिटरेचर हुआ करता था ना, लिटरेचर हुआ करता था, लेकिन अब भी जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मूवीज हैव रिप्लेस दैट. बुक स्टोर्स तो ऐसे भी बंद ही हो रहे हैं, हार्डली कोई बुक स्टोर्स बचे हैं. तो ऐसे ही होता है, कॉन्शियसनेस इज ट्रांसफर्ड लाइक दैट ओनली. कैसे आप हर इंसान, तो हर एक उस विद्या, मुझे भी किसी ने बताया प्लास्टिक के बारे में या मैंने ऑनलाइन पे पढ़ा, किसी ने इतनी मेहनत करके पता किया, तो मैंने एक बात समझी उस दिन के यार हम लोग ऐसे ही घूंट पानी का पीते हैं और बॉटल फेंक देते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी और क्या चल के उसका होता है, कभी सोचा ही नहीं. और अब क्या किया करेंगे यार, ये पानी क्यों बॉटलें खरीदते रहते हैं, घर से लेके जाया करेंगे. तो किसी ने मुझे बताया, ऐसा नहीं कि मुझ में समझ नहीं है, समझ नहीं कि, पर कभी दिमाग में वो बात आई ही नहीं. तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि इसमें अगर आप अच्छी बना, तो इतनी खुराफाती फिल्में बनाते रहते हैं लोग, उससे अच्छा है कोई काम की चीज़ें करें, सो वाई नॉट, देर इज़ नो हार्म इन दैट. इनफैक्ट एज स्टोरी टेलर्स हमारा काम है कि हम ऐसे स्टोरीज बोले ताकि वो लोगों तक पहुंचे. एसेंशियली जो मीडियम ऑफ आर्ट, जो आर्ट है और उसका जो मायने था वो यही था कि आप एक जो समाज में जो परिवर्तन जो चाहिए या जो बात है वो बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए, उसको इस माध्यम से देखें कि जो सबसे लोएस्ट डिनोमिनेटर, जो जब जिसको मतलब कुछ नहीं जमता है, जो पढ़ भी नहीं सकता, जो लिख भी नहीं सकता, जिसको वो साधन ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है, उसको उसको भी समझ आए वो, वैसे करके दिखाइए. तो तभी तो नानी हमेशा स्टोरीज बोलती, इसीलिए हम सोने के टाइम पे हमेशा स्टोरीज सुनते हैं. स्टोरीज के लिए डांसेस को भी यूज किया, चाहे आप कथकली देख लीजिए, भरतनाट्यम, कोई भी डांस इज नॉट विदाउट स्टोरी. और जिनकी कोई थीम ना हो या जिनका कोई सार ना हो, मॉरल वैल्यू ना हो, कभी भी आर्ट, ये तो इन्होंने बॉलीवुड में एक नई चीज शुरू की है कि पॉपकॉर्न फिल्में, जैसे पॉपकॉर्न खत्म हो गया पता ही नहीं चला कहाँ गया, वैसे फिल्म हो गई खत्म पता ही चला कहाँ गए, वो आर्ट के वो मायने नहीं है. आर्ट का मतलब ही ये है कि कुछ कहना. सर आपके लिए मतलब आई एम 100% श्योर यू गोना शाइन इन द मूवी, लेकिन कभी एक सेकंड गेस था आपको ये मूवी करनी नहीं करनी, जैसे शाहिद कपूर के साथ हुआ इन जब वी मेट कि करीना टुक द लाइमलाइट, मतलब ही वाज स्पोकन लेस अबाउट इन द मूवी, था ऐसा आपके दिमाग में? थ्री टाइम नेशनल अवार्ड विनर है आपके साथ. नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं आया ऐसा माइंड में. तो क्योंकि मैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये सोचता हूं मैं इस इंडस्ट्री में नया आया हूं और अभी ये तो नहीं है कि मुझे आते ही कोई बोलेगा कि चल भाई आज सिर्फ तू होगा फिल्म में और बाकी सब नहीं तेरे ऊपर ये सारी फिल्म. तो अभी मुझे काम दिखाना पड़ेगा. मैं जो सोचता हूं, ये मेरी थिंकिंग है कि मुझे जितना भी काम मिला मैं दिल से करने की कोशिश करता हूं. मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता अभी कि इसका कम है इसका ज़्यादा है. और अगर फिल्म, आप इस कॉन्सेप्ट की बात करो तो इस कॉन्सेप्ट में
फैमिली की स्टोरी है. अगर जाया जाया का हस्बैंड है, साथ में बेटा है और मम्मी, मतलब फैमिली की स्टोरी है. तो उसमें मुझे इस फिल्म में तो कहीं ये चीज़ फील नहीं हुई थी. बट अगर आप ये पूछ रहे हो तो मैं आपको अपनी थिंकिंग बताना चाहता हूँ. अगर मुझे अगर इसमें कम भी होता, इससे भी कम होता, तो मेरे लिए कोई इतनी मैटर नहीं करता था. आज मैंने अपना काम किया और कल को जो मुझे काम मिलेगा मेरे इस काम से मिलेगा, तो मैं ये सोच के काम करता हूँ. बाकी अश्विनी जी ने बात मैम बैठे हैं साथ में, बताइए मैम, गिव हिम वन रीजन व्हाई ही वाज द पर्सन चोजन. बिकॉज़ ही इज वेरी अनअज्यूमिंग. अच्छा. और मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन का एक फेट होता है कोई भी चीज में. इनका फेट था ये फिल्म में आना और हम सबके साथ आना. हम सबको साथ में यहाँ पे आना हमारा डेस्टिनी था. और मुझे ये भी लगता है कि जो आप रियल लाइफ में हो, आप कितना भी उसको इग्नोर करो एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज क्रिएटिव पीपल, आप भी आपका एक जो एक साइड रहता है ना, वो हमेशा आपके फिल्म में आपके जो एक्टिंग स्किल्स है उसमें रिफ्लेक्ट होगा ही होगा. एज अ डायरेक्टर आई जस्ट हैव टू पिक अप दैट पार्ट, जो इनको कभी पता भी नहीं चलेगा, पर मैं उनका जो पॉजिटिव्स है, जो मुझे पता है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, तो वो हमेशा वो पिकअप होके वो आ जाता है फिल्म में. सो ही इज़ अ वेरी लविंग पर्सन आउट, लाइक नॉट इन द फिल्म येस, बट आउटसाइड द फिल्म ऑल्सो इन रियल लाइफ. ही लव्स किड्स. ही इज़ ऑल्सो समवन हूज़ वेरी अनअज्यूमिंग, वेरी ट्रूथफुल अबाउट थिंग्स. इसको कुछ लेना देना नहीं कि कौन क्या सोच रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है. तो वो दिखता है, वो फिल्म में भी दिखता है, हम सबके रिलेशनशिप में भी दिखता है. मूवी में देर इज अ सीन, जब आप ट्रेलर में, रादर ट्रेलर में एक सीन है कि आप कबड्डी प्लेयर्स बैठे हुए हैं, यू गो एंड ट्राई टू टॉक टू देम, बट वो आपको पहचानते नहीं है. ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि पीपल मिस रिकग्नाइज यू, डिडंट रिकग्नाइज यू, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हो ही नहीं सकता, बट अभी तो नहीं, लेकिन शुरू शुरू में शायद कभी हुआ होगा. अच्छा. बहुत शुरू में, मतलब जब मैं बिल्कुल नई थी, तो कोई लोग मुझे ऐसे दूर से सलीना जेटली या कुछ नाम कुछ लेके या कुछ भी ऐसा, मतलब जो बिल्कुल भी मुझसे लेना देना भी कुछ नहीं है, तो ऐसे ऐसा कोई नाम लेके मुझे कभी बुलाते थे. अच्छा. शुरू शुरू में. पाजी आपको, हैव यू बीन लाइक? हाँ, होता रहता है ऐसा. अच्छा. बहुत होता है, क्योंकि जब भी जैसे जब आप काम करते हो, ये तो नहीं है आपको जानते हो, और ये भी नहीं कि शक्ल याद रह जाए आपको. तो होता है कई बार, लोग सच्ची में ऐसे होते हैं, कई बार जानबूझ के भी कर देते हैं. अच्छा. हाँ, कि आपको मतलब आपको ये दिखाने के लिए कि हम तो आपको जानते नहीं हैं, मतलब आपका गलत, जैसे गलत जानबूझ के गलत नाम देते हैं. जेलस फैंस बहुत होते हैं. जेलस फैंस भी होते हैं? ये कौन से प्रकार की ब्रीड है? नहीं बोल सकते. फैंस ही होते हैं वो फैंस होते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि लव टू हेट, उनका नेचर ही वैसा होता है ना. हर एक इंसान का एक नेचर होता है. आप किसी से प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका डायरेक्ट इमोशन हमेशा से, चाहे ना हो, ऐसा नहीं, वो आपको लेके, उनको ज़िंदगी में जो भी चीज़ पसंद आएगी पहले वो उससे हेट करेंगे, चाहे उसका क्रश हो, चाहे वो उनको चाहिए. एक होता है ना कि मतलब आप अगर साइकोलॉजी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हेट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लव ओनली. लव गॉन रॉन्ग इज हेट. लव का ऑपोजिट हेट नहीं है. लव का ऑपोजिट है इनडिफरेंस, अपैथी, जिससे मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है. यार कौन किधर गया, मुझे उससे क्या लेना देना. लेकिन जो एक जो इंटेंस इंटरेस्ट किसी में है और आपका मन करता है ये मर जाए, जल जाए, इसको कोई उठा के ले जाए, इसको खत्म करो, इरेज करो इसको इस प्लैनेट से, और आप दिन रात जलते रहते हो ये बात में सोच सोच के, तो वो दैट्स लव गॉन रॉन्ग. अच्छा. तो वो जेलस फैंस बन जाते हैं. या मेरे तो ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपना ऐसे फैन मानती हूँ, क्योंकि दिन रात मेरे बारे में सोचते रहते हैं, उसी काम में लगे हुए हैं. सो उनको भी मैं फैंस ही मानती हूँ, बट लव गॉन रॉन्ग है वो. लेकिन सोशल मीडिया दोनों से थोड़ा बच के रहना चाहिए. आपकी और मीडिया के साथ दोस्ती कैसी चल रही है, स्पेशली आफ्टर जो हुआ था इवेंट एट द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द लास्ट मूवी, अब कैसे दोस्ती चल रही है आपकी? वेल, मुझे देखिए, मुझे नहीं लगता कि मीडिया अपने आप में हार्मफुल है. यही है कि जो लोग उनको नचाते हैं उंगलियों पे, वो अनकॉन्शियसली नाचते रहते हैं. मुझे तो मीडिया से यही शिकायत है कि अगर आपको एक प्रेस रिलीज आती है और हाँ आप भी हाँ चलो उसको भेज दो आगे, ना थोड़ा जागो, उठो, आंखें खोलो, देखो क्या हो रहा है, तुम्हें किस बात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ, मतलब वो लोग ऐसे, उनको कोई भी यूज़ कर सकता है. आज मैं भी अगर कोई एक ईमेल भेजे प्रेस रिलीज किसी के लिए, हाँ चलो ठीक है. सो एक तरह से उन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल वो घूमते हैं.
सो आई नो एंड दे ऑल्सो नो कि जो जितने भी बिग जो भी माफिया है जो दे आर रन बाय देम हर जो भी एक जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के और जो नोन है या तो उनमें उनके स्टेक्स हैं या तो इंडिविजुअल लोग हैं शुरू में वो अपना ईमानदारी को लेके नाम बनाते हैं जैसे उनका नाम उनको खरीद लिया जाता है शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से या तो उनको पार्टी में बुला के पैम्परिंग होती है अगर उनके पास काफ़ी पैसा है और अगर पैसा नहीं है तो उनको उस तरह से गिफ्टें दे के पैम्परिंग होती है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके करके हम लोग जो इंडिविजुअल लोग हैं वो मारे जाते हैं क्योंकि हमारा ऐसा तो माफिया का सेटअप है नहीं और हम लोग पूरे मीडिया हाउसेस को इनका क्या है इनके सेटअप है चार पांच जो पावरफुल लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो मान ले इसने एक को खरीदा हुआ इसने एक को तो एक दूसरे से काम करवाते हैं सारी मीडिया को तो एक इंसान खरीद नहीं सकता ना अंडरस्टैंड सो एक इनका वो पूरा रैकेट है अब मैं तो ऐसा रैकेट बनाने को जा नहीं सकती सो उसके करके व्हाट कैन आई डू आई कैन ओनली रिटेलिएट कि क्या है ये सब एक ये रिटेलिएशन कम्स एट अ कॉस्ट आर यू नॉट स्कैर्ड अभी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे ट्रेंड चलने लगेंगे जो पूरा आईटी सेल लोग चल रहे हैं हैशटैग ट्रेंड होने लगते हैं डर नहीं लगता आपको मुझे किस बात का डर मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं और जो मेरे लिए जो गिल्ट बनती वही डर के भाग गई वही गायब हो गए उन्होंने वो गिल्ट विल्ट बंद करके सब बस तो अपना बंद करके भाग गए तो मुझे डर तो उनको लगा तो भाग ही गए अब तो वहाँ पे कोई सब मुकर ही गए हैं कि हमने कोई गिल्ट बनाया ही नहीं हमने इसको बैन किया ही नहीं और बैन भी उठ गया है तो एक तरह से मैं आपको बताऊं मीडिया को भी डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए अभी मीडिया के हाथ में भी पावर इतना नहीं रहा है जब एक इंडिविजुअल इंसान के हाथ में जब एक उनका एक ट्विटर अकाउंट हो या जो भी फेसबुक हो अभी टुडे मोर पीपल आर डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स देन एनीवन एल्स यू नो तो मीडिया का ही डिल्यूजन है एक टाइम होता था कि एक ही जर्नलिस्ट के थ्रू दुनिया मुझे जानेगी अब ऐसा कुछ नहीं है मैं अपना छोटा सा वीडियो बनाती हूँ मीडिया की वाट लगाती हूँ उसको फेसबुक पर डालती हूँ दुनिया कितने लाइक्स देती है राइट सो अभी लोगों को पता है सब हाई फाइव मोमेंट जानते पंगा वर्ड का एकदम कर एप्ट आपके लिए तो एकदम एप्ट है दैट्स व्हाई आई लव हर शी इज लाइक वेरी बोल्ड एंड वेरी नाइस आई जस्ट लव हर अबाउट दिस लेकिन दो चीजें आप दोनों को पूछना तो फर्स्टली आपको पूछना चाहता हूँ दोनों के लिए ये इंटरनेट पे आपके बारे में थोड़ी चीजें मैंने देखी कंफ्यूजिंग लग रही थी मेरे को स्पेशली आपका डेट ऑफ बर्थ एक जगह 20 मार्च लिखा है कुछ जगह 23 लिखा है क्या है आपका डेट ऑफ 23 मार्च पता नहीं 20 मार्च क्यों किसी ने रखा बहुत जगह 20 मार्च पता नहीं क्यों है नंबर 5 तो ऐसा चेंज करवाइए लोग कंफ्यूज हो रहे दो-दो टाइम बर्थडे विश करेंगे फिर आपको इनफैक्ट कितने सारे दुबई में यहाँ वहाँ 20 मार्च को कंगना के बर्थडे के दिन ये गाने और मेरे को रिक्वेस्ट आते हैं मैंने कहा और इतना बुरा लगता है बिकॉज उन लोगों ने इतना प्लान किया होता है फिर मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ कि मेरा बर्थडे नहीं है अभी तो चलो ठीक है उस दिन भी विशेज ले लेते हैं सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई 23 मार्च मतलब जिसको भी जानना वैसे तो इट्स नॉट अ नेशनल इशू But people want to know, na? 23rd March. बोल दिया. और सर आप the last line. मेरा भी कुछ ऐसा है. नहीं नहीं डेट ऑफ बर्थ तो सही है. डेट ऑफ बर्थ तो सही है. विकिपीडिया पेज जो आपका है उसमें जाते हैं तो उसमें मैं देख रहा था कितने गाने हैं आपके ऑलरेडी हो चुके हैं रिसर्चिंग तो कुछ कुछ गाने ऐसे मैंने यूट्यूब पे जाके देखा तो कुछ मिले जैसे मिल्फ है विकिपीडिया इज नॉट द राइट थिंग आई नो बट पीपल जस्ट पुट इट देयर लोग कुछ भी डालते हैं और फिर वापस चेंज हो जाता है डालते हैं वापस चेंज हो जाता है लोग अपना खुद का ही जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पंगा में हमने पता नहीं कितनी बार चेंज किया रोज फॉक्सटार स्टूडियोज की जो इंटर्न आई टी जो संभालते हैं वो उनको रोज हम मैसेज करते हैं इट इज नॉट बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी जैसे ही हमने चेंज किया वो वापस किसी ने डाल दिया तो ये कितने सारे प्रेस वालों ने मुझे पूछा ये तो मैंने लाइक बोला ऐसा नहीं है इट इज नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी इट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू से दिस थिंग नहीं तो छप जाता है कि इंस्पायर्ड या रियल लाइफ स्टोरी किसी की बायोपिक नहीं है ये सो लेकिन इनके पेज में लिखा हुआ है मिल्स गाना गाया हुआ है मैंने बहुत सारा बहुत सारी चीजें थी जो मैंने चेंज करवाई थी उस टाइम क्या क्या लिखा हुआ था एक तो मेरी डेट ऑफ बर्थ का ही चक्कर था अच्छा आपकी क्या लिखी थी मेरी एक्चुअली मेरी 26 नवंबर है जिसका एक इशू था हमारे जो गांव का चौकीदार था वो पहले जाकर रजिस्टर करवाता था डेट ऑफ बर्थ तो उसने क्या किया जिस दिन मेरे घर वालों ने मेरा नाम लिख रखा तो उस दिन की डेट ऑफ बर्थ जाकर रजिस्टर करवा दी तो मेरी 26 नवंबर की डेट ऑफ बर्थ है बट उसने जो रजिस्टर करवाई 8 दिसंबर की डेट ऑफ बर्थ तो जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स है सारे उस पर 8 दिसंबर
तो ये भी वहाँ की एक गलती थी। तो हम कौन सा सेलिब्रेट करें, आपका आधार कार्ड का हिसाब से करें? तो मेरे मामा जी के लिए उनके दादाजी नाम लिखवाने गए, तो उन्होंने लिखा दिया इसका नाम सुभाष चंद्र बोस। तो फिर वो घर आए तो उनको बहुत डांट पड़ी, तुमने कैसा नाम रखवाया है, और बोस तो बंगाली होते हैं, हम बंगाली थोड़ी है। तो उनको वापस भेजा कि इसका नाम कट करा के जाओ। तो उनको याद रह गया कि वो बोस बंगाली होते, बोस नहीं करवा, तो उन्हें सुभाष चंद्र कट करवा दिया, सिर्फ बोस। सो आई हैव अ मामा कॉल्ड बोस। बट मेरी मम्मी का तो ऐसा है कि वो टाइम पे अगर जून टू जून नहीं होता तो कुछ तो आई थिंक स्कूल का या कुछ तो ऐसा था। तो मेरी मम्मी का दो बर्थडे है। अच्छा। तो एक है 14th अक्टूबर और एक है मई में। ओके। और पता नहीं चलता तो कि कौन सा बर्थडे कब है। पर ये है काफी लोगों के दो दो बर्थडे से है। विकिपीडिया सही नहीं होता, वो बताना चाहता हूं। वो भी ऐसा चौकीदार है गांव का, वहां पे कोई भी जाके कुछ भी एडिट कर सकता है। और वहां पे कई चीजों के लिए आपको रेफरेंस देनी पड़ती है वहां पे, न्यूज की या कुछ। और मैंने जब ये हुआ था तब मैंने बहुत पूछा इसके बारे में, तो मुझे बताया गया कि कुछ नहीं हो सकता वहां पे जाके, कोई भी आप कोई भी कर। तो हम सेलिब्रेट कौन सा करें फिर, आप बता दो। 26 नवंबर डन है। 26 नवंबर 23rd मार्च दैट्स व्हाट वी गॉट। एंड आप सुभाष चंद्र बोस जी की बात की, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आप बोस मामा बोलते क्या? बोस मामा बोलते हैं उनको, एंड सब कंफ्यूज होते हैं पहाड़ों में बंगाली कहाँ से। चलिए, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैं अभी बस दो घंटे में पिक्चर देखने जा रहा हूँ, आई एम 100% श्योर। अच्छा आप आ रही हूँ, 100% इज गोना रॉक। थैंक यू सो मच एंड बस यार आई लव देम, थैंक यू। थैंक यू।